हम लोगों की कार्यकर्ता संवाद दर्शन कार्यक्रम में हम लोग यहाँ आए हैं और उद्देश्य ये है कि पार्टी के जो जमीनी वर्कर जो हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं या संगठन के जो हमारे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं, उनसे जो है हम लोग फीडबैक लें, उनसे हम लोग संवाद करें ताकि और पार्टी संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, इसका विस्तार कैसे किया जाए। इस सिलसिले में जो है पहले ही हम लोग को करना था लेकिन झारखंड का चुनाव बीच में आ गया, इस वजह से नहीं हो पाया था। तो इस सिलसिले में हम लोग जो है यहाँ मुंगेर हम लोग आए हैं और ये चार दिन का जो दौरा है इसमें पूरा मुंगेर प्रमंडल में जितने ज़िले हैं उन सब ज़िले को जो है हम लोग एक एक दिन में सभी कार्यकर्ताओं से हम लोग जो है मुलाकात करेंगे और बहुत खुशी की बात है। आप सब लोग जान रहे हैं कि हम लोग मुंगेर एक ऐतिहासिक जगह है और यहाँ हम लोगों की कोशिश जो है कि मुंगेर पर, मुंगेर प्रमंडल पर विशेष तौर पे ध्यान दे करके पार्टी को और कैसे हम लोग जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, जो क्योंकि कार्यकर्ता जो है ज़मीनी स्तर पे रहते हैं, हर पंचायत का क्या समस्या है, कौन से ब्लॉक की क्या समस्या है, तो उनसे भी जो है फीडबैक मिलेगा। उस हिसाब से आने वाले चुनाव में उसको जो हम लोग जो करेंगे मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र, तो उसमें भी इंक्लूड जो है अलग से जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम लोग करेंगे। पूरे बिहार में लोग परेशान हैं बिजली के बिल से, स्मार्ट मीटर से। हम लोग बार बार कहें ये स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट चीटर है। और जो सर्वे जो कराया जा रहा है ज़मीन का, इससे लोग बहुत परेशान हैं। और बिहार में बिजली पूरे देश में सबसे महंगा बिजली जो है मिलता है। हमने कहा भी है अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे। और वही नहीं, इस सरकार से भी हम लोग 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी पहले कहते थे 10 लाख नौकरी कहाँ से लाएगा, तो 17 महीनों में जो हम लोगों ने नौकरियां जो बांटी है, 5 लाख नौकरी हम लोग दिए, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करा करके आए, नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मियों का दर्जा 4.5 लाख लोगों को हम लोगों की सरकार ने दिया। तो जो लोग कयास लगाते थे कि असंभव है नौकरी देना, कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा पैसा, तो हम लोगों ने वो करके दिखाया। और मैं बिहार के लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि इसी सरकार से 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलवाने का काम करेंगे और पूरी तरीके से सरकार को मजबूर करेंगे कि जनता की जो समस्याएं हैं इसको दूर किया जाए। दूसरा जो लैंड सर्वे चल रहा है उससे लोग परेशान, पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है बद से बदतर है। और अभी सुनने में आ रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी जो है यात्रा पे निकल रहे, अच्छी बात है, मुख्यमंत्री को यात्रा पे निकलना चाहिए, संवाद करना चाहिए, लेकिन ये कौन सा यात्रा है कि अपने ही जनता से संवाद करने के लिए आप 200-250 करोड़ रुपए खर्च करोगे। हमने भी संवाद किए, लालू जी भी मुख्यमंत्री थे, संवाद करते थे, राबड़ी देवी जी के समय में भी संवाद होता था, लेकिन ये 250 करोड़ रुपए केवल संवाद यात्रा पर खर्च हो, अपने ही जनता मालिकों से मिलने के लिए, बात करने के लिए 250 करोड़ रुपए। बिहार एक गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है, लगता मुख्यमंत्री तो अब भूल गए विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के, जब से एनडीए के साथ गए क्या, तो वो सरकार के पार्ट एंड पार्सल, वो सरकार है, भारत सरकार है, अब दिलवाएं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। लेकिन गरीब राज्य है, फिर भी बाढ़ के लिए पैसा नहीं केंद्र सरकार के पास, लेकिन मुख्यमंत्री जी केवल संवाद करेंगे इसके लिए जो है 250 करोड़ रुपए खर्च होगा, ये किसका पैसा है और ये 250 करोड़ का क्या ब्यौरा है, कहाँ खर्च होगा, किस चीज में खर्च होगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। ये तो अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है और ऐसा यात्रा
मान लीजिए हम मुंगेर आए हैं तो हर जिले मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री जी तीन जिलों का एक जिले में बैठ के करेंगे। अब आप बताओ कितना संभव है कि मुंगेर भी बैठ जाए, बेगूसराय भी बैठ जाए, खगड़िया के लोग भी आएंगे मुंगेर में। तीन जिलों के लोगों से संवाद माननीय मुख्यमंत्री जी एक दो घंटे में कटेंगे क्या? ये कौन सा संवाद है? उसके लिए 250 करोड़ रुपए खर्च, ये प्रश्न उठता है। हम मना नहीं कर रहे, मुख्यमंत्री जाए, मिले, बात करें, लेकिन ये जनता का पैसा है, जनता जानना चाहता है, विपक्ष भी जानना चाहता है कि आप तीन जिले में जाइएगा क्या? तीन एक जिले में जाकर के तीन जिले का आप पूरा कीजिएगा तो आप एक दो घंटे में तीनों जिलों के लोगों से संवाद भी कर लोगे, समस्या का भी समाधान कर दोगे क्या? आप लोग सब लोग जानते हैं IPRD के जरिए जो है मुख्यमंत्री का पट्टा में जनता दरबार चलता था, लाइव मना कर दिया गया कि लाइव नहीं होगा। मना क्या कर दिया गया? जनता दरबार ही बंद कर दिया गया, क्योंकि उसमें लाइव आता था कि एक ही व्यक्ति 4 बार 5 बार जनता दरबार में पहुंचा लेकिन उस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। कई बार ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो जनता दरबार में गए, एक बार नहीं 5 बार गए लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी एक जिले में बैठ के तीन जिले के लोगों से संवाद कर लेंगे, उनकी समस्या सुन लेंगे, क्या उनकी समस्या का समाधान कर देंगे? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है उठता है। तो आगे तो हम लोग बहुत कुछ, समय आने पे हम लोग चुनाव है आने वाला है नवंबर में, शेड्यूल्ड है अक्टूबर नवंबर, लेकिन हम लोग क्या क्या करेंगे सरकार में आने के बाद ये हम लोग बना के रखे हैं और भी बना रहे हैं। समय आने पे हम लोग बताएंगे कि हम लोग क्या क्या करेंगे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के लोगों की तरक्की कैसे हो, विकसित राज्यों में बिहार कैसे गिना जाए, जो हम लोगों का विजन है, जो रोड मैप है, इसको हम लोग आगे चल के जो बताएंगे। आप देखिए हम लोगों ने विज्ञापन जारी किया नौकरियों का, लोगों ने फॉर्म भरा, लोगों ने परीक्षा दिया, रिजल्ट आया और हाथ में नियुक्ति पत्र केवल 3 महीने के अंदर बिना पेपर लीक हुए। हमारे आने से पहले सरकार में पेपर लीक होता था, हमारे जाने के बाद जो है पेपर लीक हुआ। कई एक आध उदाहरण नहीं, नीट का मामला हो, CHO का भी मामला, जो हेल्थ डिपार्टमेंट 2000 पद को लेकर के सारा मेरा ही किया हुआ है CHO पद का सृजन, बल्कि पब्लिक हेल्थ कैडर लाए हैं, 1.5 लाख वैकेंसी हम कर दिए हैं। कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि इसको अभी मत लाइए, इसको बाद में लाइएगा, अभी शिक्षक लोग का हुआ है तो वो कब भरा जाएगा? और जब लोगों की भरने की बात आती है तो 2000 जो है पद है इसमें CHO का पेपर लीक हो जाता, ये तो अद्भुत है, ये क्या हो रहा है? लोग परेशान है। अभी देखिए 17वें जो BPSC परीक्षा को लेकर के आयोग कभी भी चुप्पी साधी हुई, और हमको जो नॉर्मलाइजेशन जो करना चाहिए आयोग को BPSC को, ये अभी तक क्लियर नहीं है, और 10 दिन परीक्षा का शेष रह गया। तो इसमें तो 3 सेट का जो विवादित जो पैटर्न है इस पर जो है अपनी राय को स्पष्ट जो है BPSC को करना चाहिए। लोग परेशान है, आंदोलन कर रहे हैं। आप उसी हिसाब से देखिएगा जो SDM DSP का पद जो होना है उसमें, ये तो पूरी तरीके से आप देखिए माफियागिरी जो है वो चल रहा है, अचानक से जो है पैटर्न बदल रहा है। तो ये इसको लेके, इसके नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो है लोगों को करना चाहिए। और अभी पटना में बड़े तादाद में जो है लोग जो है वहाँ आप देखिएगा आंदोलन कर रहे हैं, जो मांगा गया आपका EWS का, EWS का मांगा जा रहा पुराना। लोग जो है बहुत ही तादाद में पटना में जो है पूरी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार में जो है लोग कोई सुनने वाला जो है नहीं है।
तो हम सब लोग आए हैं लगातार विधानसभा के अंदर में भी हम लोगों ने आरक्षण के इशू को हम लोगों ने उठाने का काम किया। अब तो ये आरक्षण जो है खत्म हो गया, इससे जितने ईबीसी हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, जो हम लोगों ने 75% आरक्षण बढ़ाया था, 10% ईडब्ल्यूएस और 65% जो है पिछड़े अति पिछड़े दलित आदिवासी समाज को, जो हम लोगों ने 65% किया था, आज जो भी ये बहालियां निकल रही है उसमें रिजर्वेशन लागू नहीं हो रहा, इसका दोषी कौन है? हम लोग तो बार बार कहते रहे कि भाई इसको शेड्यूल 9 में डालो, ये कैबिनेट में जब थे तब भी हम लोगों ने सिफारिश किया था भारत सरकार को, भारत सरकार ने 7 महीने तक कुछ नहीं किया। अब कोई भाजपा के लोग चले जाते हैं कोर्ट, वहां जाके रुकवाने का प्रयास किया जा रहा है भाजपा के द्वारा। सिर्फ वही नहीं, जाति आधारित गणना जब कराई जा रही थी तब भी भाजपा के लोग थे। और सुनो, बिहार में हो रहा है ये जाति आधारित गणना, गाजियाबाद का कोई बीजेपी का कोई कार्यकर्ता जो है वो पटिशन डालता है गाजियाबाद का। तो ऐसे खिलवाड़ जो है ये भाजपा के लोग संविधान आरक्षण के साथ लगातार कर रहे हैं। जो पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, अति पिछड़े समाज के लोग, इनके अधिकार को मारा जा रहा है। तो इसलिए हम लोग जो है, अच्छा अभी ललन सिंह सर यहाँ पे अति पिछड़ों की बात कर रहे थे अभी कार्यकर्ता सम्मेलन में, कि उस पे जो है विपक्ष का जो है नजर है, अति पिछड़ों की बात करते हैं ललन सिंह मुंगेर में कार्यकर्ता सम्मेलन में, उसमें विपक्ष का नजर है। हम लोगों का सामाजिक न्याय का सोच विचारधारा है, बैक बेंचर जो है वो मेन स्ट्रीम में है। कर्पूरी जी ने आरक्षण दिया था पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, लालू जी ने 90 में आके उसको बढ़ाया, राबड़ी देवी जी ने उसको आकर के और 18% बढ़ाने का काम किया। हम लोग जब आए तो उसको 65% ले गए, तो इसमें नजर की क्या बात। मेरा एक प्रश्न उसमें तो लोगों के साथ न्याय तो होना ही चाहिए। मेरा एक प्रश्न है, आपके शासन काल में जब आप थे डिप्टी सीएम महोदय तो शिक्षकों को बहुत लाभ मिला, नौकरियां मिली। मेरा एक प्रश्न है कि जब से जदयू की सरकार है तो शिक्षकों के साथ जब वे लोग सरकारीकरण की मांग करते थे तो उनको पीटा जाता था शिक्षकों, आपकी सरकार में सरकारी नौकरी मिली, और ये जो प्रताड़ना का शिक्षकों का दौर जो चल रहा है सरकार का, आखिर में इसका यह क्या सरकार का संदेश देना चाहती है गुरुओं को, टीचरों को? एक बात समझ लीजिए, बिहार में कोई सरकार नाम की चीज नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री केवल एक मुखौटा रहे, कुछ चंद अधिकारी जो है, चंद चुने जो लोग हैं मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द, वही सरकार चला रहे। मुख्यमंत्री जी लगातार 20 साल शासन कर लिया, अब ना ही उनका कोई विजन नजर आता है नया कि बिहार को आगे कैसे ले जाए, बिहार में कारखाने कैसे लाए, बिहार में पलायन को कैसे रोके, बिहार को आगे कैसे बढ़ाए, कोई एक विजन बता दो जिस जो आज तक मुख्यमंत्री जी ने बताया हो कि हम बिहार को आगे कैसे ले जाएंगे। अब वो थक चुके हैं, अब नीतीश कुमार पहले वाले नहीं रह गए, अब तो केवल उनको आगे करके मुखौटा बना करके कुछ अधिकारी जो है अपना जेब गरम कर रहे, ये हकीकत है और ये सच्चाई है। हर कोई व्यक्ति हर बात इस बात को जानता है, लोगों के साथ अन्याय तो किया ही जा रहा है, माफियाओं के साथ मिलकर के काम किया जा रहा है, शराबबंदी है लेकिन शराब माफियाओं का बोलबाला है, यही हाल हो रहा। वैसे शिक्षा माफिया, आप बताओ जितना भी पेपर लीक होता है उसके तार एक जिले से क्यों जुड़े होते हैं और आज तक किसी पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई, कौन है दोषी? कोई एक बड़ा अधिकारी बताओ, मंत्री बताओ, अंगिनों तो बार जो है पेपर लीक हुआ अलग अलग चीजों का, किस पे कार्रवाई की गई है? किसी पे नहीं।
तो कौन चला रहा है? माफिया सरकार चला रही है।